Hello dear students. Welcome to Bram School online study channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट दम इन द कमेंट बॉक्स नाउ लेट्स बिगिन हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रेक्शन तो बच्चों बेसिकली ये है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस टॉपिक पे जो की है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट तो इसमें हम कुछ लाइट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे फिर इसके बाद में होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है रिफ्लेक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं एक लो बॉल उसको एक आप एक वॉल पे या सिंपली ग्राउंड पे आप स्ट्राइक करो क्या होगा बॉल वापस आपके हाथ में आ जाएगी ये जो बाउंस बैक हो रही है बॉल इसी तरह से जो हमारी लाइट है वो भी बाउंस बैक हो जाती है कि किसी भी सरफेस पे जब आप उसको स्ट्राइक करोगे लाइट को ठीक है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी तरफ आ जाएगी इनफैक्ट जो हमें यू you नो know, सुबह सुबह जब हम सो के उठते हैं कहीं रेडी होकर के जाना रहता है तो हम खड़े हो जाते हैं अपने ड्रेसिंग uh, टेबल के आगे जहाँ पे लगा होता है एक मिरर तो उस मिरर में जो हमें हमारी इमेज दिखती है या बोल सकते हो जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो क्यों होता है इसी के कारण क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इनफैक्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का जिसके कारण हम अपनी इमेज आईने में देख पाते हैं ठीक है फिर इसको बाद में हम फॉलो करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से फिर इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर प्लेन मिरर में जब हम इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इसमें आपके पास कुछ टर्म आएंगे जैसे कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज ठीक है इन्वर्टेड इमेज या अपराइट और इरेक्ट इमेज तो इस तरह की कुछ वर्ड्स से आपका इंट्रोडक्शन होगा हमारे इस टॉपिक में क्लियर फिर इसके बाद में स्फेरिकल मिरर भाई स्फेरिकल मिरर तो अपना यू you नो know, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मिरर जो कि स्फेयर से डिराइव होगा स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के होते हैं भाई दो होते हैं एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स और ये दोनों ही क्या है टाइप्स हैं स्फेरिकल मिरर्स के फिर इसके बाद में टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिर इस टॉपिक में आपको समझ में आएगा सेंटर ऑफ करवेचर क्या है रेडियस क्या है पोल क्या है डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे आपको जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होंगे वो देखने को मिलेंगे फिर इसके बाद में साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिररर्स है ना तो जब हम बात करते सपोज फोर्स की तो हमें एक फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ता है और एक फोर्स का हमें नेगेटिव लेना पड़ता है जैसे कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कहां से कहा लेफ्ट से टूवर्ड्स राइट right, तो इस डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव लेकिन अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है किस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट तो अब इस फोर्स का डायरेक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा ये डायरेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव का खेल आपको ऑलरेडी पता हुआ है उसी तरह से जब स्फेरिकल मिरर से इमेजेस बनती हैं ठीक है तो उनके भी कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं कि आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था उसकी इमेज का बनी है मिरर के पीछे या मिरर के आगे ऑब्जेक्ट के आगे या ऑब्जेक्ट के भी पीछे ठीक है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनी है या इरेक्ट यानी कि सीधी बनी है तो इन्हीं सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के हम यहाँ पे लेके आते हैं साइन कन्वेंशन ठीक है कि ऑब्जेक्ट का यू नो ऑब्जेक्ट और इमेज का डायरेक्शन कहाँ है इमेज कहाँ बन रही है कैसी बन रही है तो हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना पड़ता है हमें बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव समझना पड़ता है मिरर uh, से बनने वाली इमेजेस में भी ठीक है फिर इसके बारे में रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर अब यहां से असली खेल शुरू होता है यहां तक आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो दोनों के लिए होगी कॉनकेव मिरर्स के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी कि सभी स्वेरिकल मिरर्स के लिए लेकिन इस टॉपिक से अब हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा अलग अलग हो जाएगा अब हम उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे ठीक है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस जो कॉनकेव मिरर्स इमेज बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो उन इमेजेस को ट्रेस करने का भी कोई नियम होता है कुछ नियम होते हैं और वो नियम हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में फिर इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अब जो कॉनकेव मिरर है उसके आगे हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे ऑब्वियसली बात है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके आगे हम क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसे कि मेरा कॉनकेव मिरर है और ये रहा ऑब्जेक्ट इसको मैं अलग अलग पोजिशंस पर रख के देखूंगी कि जब मेरा ऑब्जेक्ट फॉर सपोज ये फिफ्टीन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो मेरा ये जो कॉन्केव मिरर है ये इमेज कहाँ बनाएगा अगर मैं इसको 30 सेंटीमीटर के आ, डिस्टेंस पे रखती हूँ तो मेरा कॉन्केव कहाँ कॉन्केव मिरर कहाँ इमेज बनाएगा ठीक है तो अलग अलग पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और देखेंगे कि कॉनकेव मिरर उनकी पोजिशन कहा उनकी इमेजेस कहा बना रहे हैं कौन सी पोजिशन पे बना रहे हैं क्लियर है फिर इसके बाद में मिरर फॉर्मूला बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या होता है एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट ठीक है उसका डिस्टेंस कितना है फिर इसके बाद में इमेज और फोकल लेंथ ठीक है वी यू और एफ के बीच में होता है एक रिलेशन मिरर फार्मूला में अब सिग्निफिकेंस क्या है मिरर फार्मूला का ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट जब हम ये बेसिकली जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तब हम ये कवर करेंगे ठीक है अब हम करते हैं आगे की बात आगे की बात क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ये बेसिकली रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है और उसको जिस भी मिरर के सामने रखा हुआ है उस मिरर ने जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है उसकी साइज तो दोनों का हम रेशियो निकालते हैं और पता करते हैं कुछ चीज़ें फिर इसके बाद में रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम कॉनकेव कॉन्वेक्स अलग अलग पढ़ने वाले हैं ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेजेस होती हैं उनको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर ठीक है फिर यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, अब भाई दिमाग लगाओ कि हम इस टॉपिक में हमें पता चलेगा कि भाई स्पेरिकल मिरर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है फिर इसके बाद में जो सेकेंड पार्ट है हमारे चैप्टर का जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लैक्शन आपको पता है कि जो लाइट बाउंस बैक होती है किसी भी सरफेस से टकरा करके वो हो जाएगा क्या रिफ्लेक्शन लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी थोड़ी सी खिसक जाएगी अपनी जगह से जो उसका पाथ होगा ना ओरिजिनल पाथ जहां पे उसको हम अज्यूम करेंगे कि इसको ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था ठीक है जैसे कि यहाँ पे लाइट आ रही है ये एक कोई दूसरा मीडियम आ गया हमने अज्यूम किया था कि हमारी जो लाइट है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी लेकिन क्या हुआ वो यहां नहीं गई वो कहाँ गई इधर गई रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखना है कॉजेज एंड लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ये जो डेविएशन हो रहा है ये हो क्यों रहा है फिर इसके बाद में रिफ्रेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब के अक्रॉस हम देखेंगे क्या रिफ्रेक्शन फिर इसके बाद में स्फेरिकल लेंसेज जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसी के समान होते हैं स्फेरिकल लेंसेज क्या फ़र्क होता है दोनों में स्फेरिकल लेंसेज में बेसिकली दो सरफेस होते हैं दो ऑपोजिट सर्वेसिस हो जाते हैं और एक होता है प्लेन सरफेस ठीक है स्फेरिकल लेंस आपने देखा होगा इस तरीके का होता है मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है ये सभी क्या है ये दोनों हैं फेरिकल लेंसेस के पार्ट टाइप्स हैं ये दोनों जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने पढ़े थे उसी समान हम स्फेरिकल लेंसेस से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे अब करते हैं आगे की बात इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज जैसे कॉन्वेक्स और जैसे कि स्फेरिकल मिरर्स वो बनाते हैं इमेजेस उसी के समान स्फेरिकल लेंसेज भी इमेज बनाते हैं फिर इसके बाद में अब कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी पढ़ा था जो स्फेरिकल मिरर्स इमेजेस बनाती हैं उसी के समान स्पेरिकल लेंसेज के द्वारा जो इमेज बनती हैं उनके लिए भी साइन कन्वेंशन होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट होते हैं फिर इसके बाद में लेंस फार्मूला जैसे मिरर फार्मूला होता है वैसे लेंस फार्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जो साइज है इमेज का उसका रेशियो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये सब हम फाइंड आउट करेंगे फिर पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपने आपने कभी यू नो ऑब्जर्व किया होगा कि लेंसेज भी अलग अलग पावर की होती है है ना फिर इसके बाद में अगर आप सभी लेंसेस को अभी तो हमने पढ़ी नहीं है कॉनकेव कॉन्वेक्स ये सब हम पढ़ेंगे जब उन उन लेंसेस को हम कंबाइन कर देते हैं और उनसे फिर हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है जैसे कि ये रहा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख रही है क्या एक कॉनकेव लेंस ठीक है बाय कॉनकेव बोल लो फिर इसके बाद में एक दिख रहा है आपको क्या कॉन्वेक्स लेंस बाय कॉन्वेक्स लेंस इनके कॉम्बिनेशन से जब हम लाइट पास कराएंगे तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करना है तो आई होप ये चीज आपको हो गई होगी क्लियर डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो होप यो मस्ट है Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.